नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल अग्रवाल। मैं एडवोकेट हूँ राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच के अंदर। आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, व्यापारी अपना माल बेचता है और उसकी एवज में उसको एक चेक मिलता है, या फिर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया और उसकी एवज में वो आपको एक चेक दे के जाता है। अब बहुत से लोगों के साथ दिक्कत ये आती है कि उस चेक का हम क्या करें। यहाँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना है जिससे कि आपका पैसा रिकवर हो सके। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि जो चेक के अंदर डेट डलती है उसकी वैलिडिटी हो 3 मंथ्स। अगर चेक के ऊपर एक बार डेट डल गई, इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 महीने के अंदर ही प्रेजेंट हो सकता है बैंक के अंदर। अगर वो डेट एक्सपायर हो गई तो वो चेक बेकार हो गई। अब आप उस चेक का कहीं यूज नहीं कर सकते, केवल आप रिकवरी के केस में जा सकते हैं और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज का ध्यान रखिए कि यदि किसी पार्टी का, आपके क्लाइंट का या आपने किसी को पैसा दिया है, मिलने वाले का चेक बाउंस हो जाता है, तो विद इन 30 डेज उसको आपको एक जरिए एडवोकेट आपको एक नोटिस देना होता है। अगर आपने इस पीरियड में त्रुटि कर दी या पीरियड को मिस कर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। फिर वो चेक कोर्ट में 138 यानी चेक बाउंसिंग में नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए विदिन चेक बाउंसिंग की डेट से विदिन 30 डेज के अंदर आपको नोटिस देना होता है। नोटिस देने के बाद आपको विदिन 45 डेज के अंदर, अगर उसने आपको पैसा दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो 45 डेज के अंदर आपको कोर्ट में केस फाइल करना होता है। इस दौरान यदि सामने वाले पार्टी ने अपने अधिवक्ता एडवोकेट के जरिए आपको कोई नोटिस का रिप्लाई दिया है तो उसके नोटिस का रिप्लाई आप भी जरूर देवें। कई बार क्या होता है कि कोर्ट में ये माइनर सी मिस्टेक अपने अगेंस्ट भी चली जाती है, इसलिए सामने वाली पार्टी ने अगर आपको रिप्लाई दिया तो उसको रिप्लाई का जवाब जरूर देवें। और विद इन 45 डेज यानी 30 डेज में तो वो आपको देगा, 15 दिन आपको नोटिस के दिए जाएंगे। तो इस तरह 45 डेज मिलते हैं आपको, 15 दिन पेमेंट करने का उसको पीरियड दिया जाता है और 30 डेज में आपको फाइल करना होता है, 45 डेज में आपको केस फाइल करना होता है। यदि आपने ये पीरियड मिस कर दिया तो वो चेक बेकार हो गया। अब केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन बचता है रिकवरी का, सिविल केस का। इसलिए चेक के केस में लापरवाही नहीं बरते और जो भी आपको समुचित टाइम दिया हुआ है उस समय में अपनी कार्रवाई पूरी करें। धन्यवाद।